देख रहे हैं, काफी टाइम बाद दोनों साथ नजर आ रहे हैं, नहीं तो फैमिली में अलग अलग दोनों नजर आते हैं। आज साथ आने का मौका मिला है तो कैसा लग रहा है, पहले तो ये जानना चाहूंगी दोनों के। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कोई भी हम दोनों का सीन होता है ना, उसमें पता नहीं एक अलग सा बहुत प्यारा एलिमेंट होता है, मैजिक आ जाता है, मैजिक आ जाता है एक्चुअली, एक मैजिक क्रिएट ही होता है, मतलब व्हेन वी एक्ट ऑन स्क्रीन बहुत मजा आता है करने में, ऑफ स्क्रीन में भी मजा आता है एक्चुअली, जब सीन मतलब BTS भी बहुत अच्छा, जो BTS आप लेते हो वो BTS भी बहुत अच्छा आता है। And it turned out कि सीन में एक्चुअली तीन लाइन थी बस, ये बोल रही फिर मैं बोल रहा हूँ फिर ये बोल रही फिर ये चली जाती, बट इट टर्न आउट टू बी सो ब्यूटिफुल और थैंक्स टू प्रदीप सर, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उन्होंने तो किल ही कर दिया, मतलब दे गिव अस टाइम पेस एंड अ स्पेस कि हम अपने आप को अच्छे से इजहार कर पाए, मतलब उन्होंने जैसा किया वी कुड एक्सप्रेस आवरसेल्फ, मतलब नॉट आवरसेल्फ बट द कैरेक्टर्स विल, वो भी पूरी सहजता से हमने वो अभी जो सीन किया, थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू सीन की बात करें हमें उसमें कुछ प्यार मोहब्बत नजर आ रही है ऑफ स्क्रीन, किस तरीके का है मतलब दोस्ती झगड़ा ऑफ स्क्रीन? ऑफ स्क्रीन तो ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आज मैं इसकी सराहना तहे दिल से करना चाहूँगा कि हर दम मेरा साथ देती है, चाहे कुछ भी हो तो मुझे अच्छे से गाइड करती है जैसे मैं इसका अपना हूँ, तो आज तक हर इंटरव्यू में मैंने इसको यू नो हमको भी शर्म आती है तो आज तक हर इंटरव्यू में मैंने मतलब इसकी इसके सामने तारीफ नहीं की है, पर आज मेरा मन कर गया। धन्यवाद, आपकी तारीफ सुन के मेरे आंखें भर गए। लाइक जोड़ी की बात करें तो मुझे भी बोलना है, मैं बोलना चाहूंगी कि इन्होंने जो मेरे बारे में कहा मैं इनके बारे में वो सब कुछ झूठ है, मुझे लगा तू ऐसा बोलेगी बोलेगी मैं बोलने वाली थी कि मैं भी उनके बारे में ऐसा ही सोचती हूँ। ये सब सच है, ये सब शत प्रति शब्द सच, शत प्रतिशत सच है। हाँ, पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि इन्होंने जो मेरे बारे में कहा ये मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगी, बिकॉज सच में ड्यूरिंग सीन्स कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा कम मोटिवेशन रहता है कभी कभी, तो मैं इनसे शेयर करती हूँ तो ये भी मोटिवेट कर देते हैं, मतलब ही वे ट्राइज टू मोटिवेट मी, जो बहुत अच्छा लगता है, या फिर वाइल्ड सीन भी बोर लगता है बात कर लेते हैं, एंड थ्रू आउट द टाइम एक दूसरे का साथ रहता है तो इजीली चला जाता है, हम भी अक्सर अपना ताना बाना बोलते रहते हैं ताना बाना चलता है। ऑडियंस की बात करें, काफ़ी देर से वो इंतज़ार कर रहे थे चिराग पन्नू का, कब हमें कुछ स्पेशल सीन्स देखने मिलेगा, क्योंकि एक जोड़ी की तरह आपको पसंद किया जा रहा है, तो इस बारे में क्या बोलोगे आप दोनों? जी एक्चुअली आपके साथ साथ हम खुद भी इंतज़ार कर रहे थे, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल के अब आपके लिए और हमारे लिए भी यू नो सीन्स अच्छे आए हैं, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। कुछ आएगा भी, आप इंतजार कीजिए कुछ बहुत खास। एंड वन न्यू थिंग इज कि मैं 22 हो चुका हूँ और ये होने वाली हूँ 20 की, ये 20 की होने वाली ये 22 का रिसेंटली हुआ है तो इसलिए इतना खुश है। रिसेंटली होना बहुत बड़ी बात है, 5 तारीख को हुआ था ये, 5 सितंबर को, अभी न्यू बॉर्न बेबी है ओके लास्टली लास्टली जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? धन्यवाद आपका, आपने हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें इतना सारा प्यार दिया, नॉट जस्ट आस, मतलब हमें प्यार दिया वो भी बड़ी बात है, शो को इतना प्यार दिया वो भी बहुत बड़ी बात है, अगर मतलब पहले हम लोगों को इतनी उम्मीद थी नहीं कि इतना कुछ होगा या फिर मतलब हमारी जोड़ी लोग इतना पसंद करेंगे, बट व्हेन इट केम ऑन स्क्रीन और सबको इतना पसंद आया एंड वी गॉट सो मेनी गुड फीडबैक्स, तो हम बहुत खुश हैं और हम फैंस के लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार आप लोगों को और प्यार बरसाते रहिए हम पे बिल्कुल और मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पूरी जर्नी रही है अब तक का हमारा जो सफ़र रहा मेरे लिए ऑन एन आध्यात्मिक लेवल इट हैज़ बीन सो ब्यूटिफुल अभी तक, क्योंकि ऑडियंस के साथ साथ मुझे लगता है मैं भी ग्रो हुआ हूँ काफ़ी, और जो यहाँ पे फैमिली मिली सारे लोग, स्नेहा जी आ जाइए स्नेहा जी तो ये सब लोग साथ हम भी यू नो ग्रो हो रहे हैं एज अ पर्सन ऑल्सो, सो इट फील्स रियली गुड और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, इतने दिनों में मैं भी थोड़ी लंबी भी हुई हूँ। नहीं मैं लंबे होने की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो मैं लंबी होने की बात ना करूँ, मैं मेहनत नहीं की है, मैंने उम्मीद नहीं थी तभी भी मैं थोड़ी 1 इंच लंबी हुई हूँ मैं, मुझे ऐसा ही। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और ये हम दोनों एक्चुअली मतलब जैसे हम पहले थे, आई थिंक ही हैज नोटिस कि मैं जैसे पहले आई थी एंड जैसी मैं अब हूँ उसमें काफ़ी डिफरेंस है, मतलब आई हैव ग्रोन अ लॉट एज अ पर्सन टू,
मतलब एज ए पर्सन मैं थोड़ी अलग हो गई हूँ। अभी उनको भी बोलने का मौका देते हैं हम, नहीं तो हम ही इंटरव्यू देते रहेंगे बस आज के दिन। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच लंबे होने का।